तस्करों ने की पुलिस पर फायरिंग, बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। मंडार के समीपवर्ती गांव सोलडा के वीर बावसी मंदिर के पास मंडार पुलिस के कांस्टेबल पवन कुमार व दिलीप सिंह ने दोपहर 1 बजे नाकाबंदी कर रखी थी। नाकाबंदी के दौरान एक अल्टो कार आती दिखाई दी। पुलिस ने रुकने का इशारा दिया पर तस्करों ने कार को नहीं रोका और पुलिस की गहन तलाशी के बाद तस्करों ने पिस्टल निकालकर पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया गया और फायरिंग होते ही कांस्टेबल पवन के कनपटी के पास से होकर गुजरी गोली। फायरिंग होते ही मंडार पुलिस ने मौके से भाग रहे दो तस्करों को धर दबोचा। दो तस्कर फरार हो गए लेकिन शाम होते होते फरार हुए दो तस्कर भी ग्रामीणों की सहायता से मंडार पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल व दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए चारों तस्कर हेमंत पुत्र घनश्याम दास सिंधी उम्र 32 वर्ष निवासी चित्तौड़गढ़, पुलिस पुत्र हीरालाल टेलर उम्र 21 वर्ष उम्र निवासी जावल बरलूट, कमलेश पुत्र फुलाराम माली निवासी बरलूट, राजवीर सिंह पुत्र बलवंत सिंह जाति जाट निवासी चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। आज ये पुलिस थाना मंडार में दिन के करीबन 1:15 बजे की घटना है, जो मुझे भी उस समय सूचना मिली कि हमारे जाब्ता के जो नाकाबंदी पे खड़े थे उनके ऊपर दो फायर हुए। मैं भी यहाँ मौके पे पहुंचा तो पता चला कि SHO मंडार श्री प्रवीण और उनके साथ में टीम गश्त में थे। गश्त में से ही दो लोगों को उन्होंने मंडार से राणीवाड़ा जो रोड है उसमें सोलडा के पास में वीर वापसी का मंदिर है जहाँ पे आने जाने वाले वाहन और संदिग्धों पे नजर रखने के लिए रखा हुआ था। वहाँ पे करीबन 1:15 बजे के पास में एक अल्टो सफ़ेद नंबर की कार सफ़ेद रंग की कार आ रही थी RG 27 नंबर की, उसको रुकवाने का इशारा किया, वो रुक गई। रुकने के बाद में जब उनका नाम पता पूछने की कोशिश की तो उसी दौरान उनमें से एक व्यक्ति जो उतरा और उतर के उसने जो हमारा जाब्ते के कांस्टेबल पवन और ये इनके ऊपर फायर किया। फायर करने के बाद में वहाँ से मौके से फायर करते हुए करीबन 3 से 4 फायर करते हुए